सच्चे दरबार की जय। रामदास खाली करके आए हैं। सत्संग की महिमा का वर्णन, सत्संग बहुत हमारे साधु संत महंत जैसे प्रेमभूषण जी या और हमारे गुरु जी डॉक्टर उमाकांत सरस्वती जी बताते हैं, और गुरुओं के सन्निधि में रहकर हम लोग सुनते रहते हैं, कथा प्रवचन सुनते रहते हैं। लेकिन एक छोटा सा व्याख्यान है कि सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है और संतों के समूह में रहने का क्या फायदा होता है। ये छोटा सा 5 मिनट भी कहते हैं ना कि एक घड़ी आधो घड़ी आधो में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। तो एक घड़ी आधी घड़ी भी और सत्संग के तरफ आपका कदम चला जाता है और कितना बड़ा कल्याण होता है। इस प्रसंग से आप लोग सुनने का कोशिश करिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और प्रयास करिएगा कि कभी भी सत्संग का विरोध मत करिएगा। कि महिमा का वर्णन, सत्संग क्या है और सत्संग में जाने से हमको क्या लाभ होता है। 5 मिनट भी अगर आप सत्संग के प्रति उदारता से जाते हैं, दिल से जाते हैं, श्रद्धा भावना से सत्संग में बैठ जाते हैं 5 मिनट भी, तो आपको क्या लाभ होता है। ये प्रसंग जो हम बताने जा रहे हैं उसे आपको समझ में आएगा। तो आप लोग भी सत्संग से जुड़ने की कोशिश करिएगा, चाहे 5 लोगों में या 25 लोगों में, संतों में जाइए, जहाँ भी जाइए भगवान का हर समय वर्णन करते रहिए और भगवत नाम की कृपा का प्रसाद पाने के लिए कोशिश करिए कि हरे राम का जप करिए, हरे कृष्णा का जप करिए, नमः शिवाय करिए। आपकी जो भी गुरु दीक्षा मिला हुए उस दीक्षा को राधे राधे कहिए और नमः शिवाय करिए, लेकिन करते रहिए। एक आदमी हमेशा सत्संग को बुरा बोलता रहता था, घर में भी अपनी पत्नी से भी बोला करता था, क्या सत्संग जाती हो, कहाँ जाती हो, क्या सुनती रहती हो, वही कथा, वही भागवत, वही श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। और बोली कि तुझे समझ में नहीं आएगा, जिस दिन तुम सत्संग में बैठ जाओगे सत्संग की महिमा का आपको समझ में आ जाएगा कि सत्संग होता क्या है, सत्संग हमें कैसे सुमार्ग पर ले जाता है। और सुमार्ग पर सठ सुधराई सत्संगति पाई, तुलसीदास ने लिखा है कि सठ भी सुधर जाते हैं। तो आप एक बार आ जाओ सत्संग में, आपको समझ में आ जाएगा। बोला अच्छा चल, बहुत कहती है शाम तक काम अगर फुर्सत मिला तो मैं 5 मिनट के लिए आपके गुरु जी को सुनने के लिए मैं आऊँगा कथा प्रसंग को सुनने के लिए। जब वो कथा पंडाल में पहुँचा शाम को, दिन भर घूम घाम इधर उधर करके जो बीड़ी सिगरेट पी पा के, लेकिन बीवी से थोड़ा प्यार करता था इसलिए बीवी की बात मान के बोला कि चल मैं तुझे लेने के बहाने में आऊँगा, 5 मिनट के मेरे पास टाइम रहेगा। संजोग बस वहाँ कथा का प्रसंग यही चल रहा था कि जब सत्संग में जाने के बाद उसका प्रसंग यही चल रहा था गुरु के द्वारा कि जीवन में कठिन परेशानी जब आए, जब आपके पास घोर कठिनाई आ जाए तो आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए और कठिन परिश्रम करने से ही आपकी विपत्ति दूर हो सकती है। बस इतना ही लाइन वो सुना और अपने बीवी को बोला फोन करके कि तू आ जा अब मैं चलता हूँ, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है। बस उसके कान में एक ही बात गई और वो चला गया। अगले दिन फिर वही काम, गांजा शराब इधर उधर करना, चोरी करना, क्योंकि उसको सत्संग से कोई लेना देना, अध्यात्म उसके दिल में उतरता नहीं था। उसकी बीवी परेशान रहती थी। उसके बाद वो एक दिन उसको राजा ने पकड़ लिया पनिशमेंट देने के लिए, क्योंकि तो उस चोरी किया था। बीवी के लाख समझाने पर भी वो कुमार को नहीं छोड़ता था, उसको सुमार्ग पे आना नहीं था। राजा पकड़ लिया और उसे जेल में डाल दिए। जेल में डालते हुए उन्होंने सैनिकों से कहा कि इसको मारना पीटना नहीं, इसको एक रूम में बंद कर दो और उसमें पत्थर की इतने बर्फ की सीलियाँ डाल दो कि वो अपने आप पकड़ के मर जाएगा। इतना कठिन वो सुना, इतना सारा बर्फ की बड़ी बड़ी सीलियाँ डाली गई कि मैं तो ठंड के मारे मर जाऊंगा, मैं क्या करूं। कोठरी में बंद कर दिया, काल कोठरी में राजा ने बंद करवाया और खूब बर्फ की सीलियाँ डलवा दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया गया कि सुबह तक इस तू मर जाएगा, इसको मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना ही बदमाश आदमी है। और उस पड़ोस सबको तंग करके रखा है, फांसी लगाने से अच्छा है कि अपने आप मर जाएगा। जब वो अकेला पड़ा उसको गुरु की वचन याद आ गए और सत्संग का महिमा क्या होता है उस टाइम में उसको याद आया और काम भी आया उसको। उसको जब याद आया कि वहाँ मैंने सुना था कि जब आपके ऊपर घोर विपत्ति पड़े तो आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए,
उस बंदे को दिमाग में आए कि यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कोठरी के अंदर कौन सा ऐसा काम करूँ जो कठिन परिश्रम हो। उसका बुद्धि सुबुद्धि कैसे बदला सत्संग के महिमा से, उसने ध्यान लगाया, उसको प्रेरणा मिली। ये जितनी बर्फ की सिल्लियाँ हैं उसे पकड़ो, एक कोने से पकड़ के दूसरे कोने में डालते जाओ, एक कोने से उठाए दूसरे कोने पर डालते जाओ, और मैं रात फराज यही करूँगा। उसने जितनी मोटी मोटी सिल्लियाँ थी बर्फ की वो उठा के इधर इस कोने से इधर इधर रखने के बाद फिर इधर से उठाए तो दूसरे कोने पर, ऐसे रात भर करते रहा। रात भर वो वही काम करता रहा, बर्फ की गोले को उठा के इस कोने से उस कोने वहाँ डाल लेने के बाद दूसरे कोने से डालने के बाद तीसरे कोने, मतलब उसको चलते ही रहा, चलते रहे। बर्फ की सिल्लियाँ इतना बोझ इतना मोटा मोटा क्विंटल क्विंटल उठा उठा के पसीने से तर बतर होता रहा, सर्दी का नामो निशान नहीं। करते करते सुबह के 4 बज गया। राजा ने बोला कि अब तो मर गया होगा, अकड़ गया होगा वो तो बर्फ के अंदर, जाओ ताला खोलो। सैनिक गए, ताला खोले, डर के मारे सोचे कि अकड़ के कहाँ किधर बर्फ की सिल्लियों में पड़ा होगा। जब ताला खुला गया तो पसीने से तर बतर, गुरु की कृपा से पसीने से छलक रहा था बदन उसका, चेहरे पे एक अजीब सा तेज था, और मुस्कुराता हुआ खुश होके जब ताला खुला तो बाहर आया। राजा अचंभित हो गया और बोला कि भाई ये कौन सा जादू टोना, इसको पता है किस महिमा के कारण क्या ऐसा इसने तंत्र मंत्र विद्या सीखा है कि अभी तक ये जिंदा भी है, और इतना बर्फ की सीढ़ियों के बीच इसको पसीना आया तो आया कैसे, जरूर कोई जादू टोना जानता है। तब वह बोला कि नहीं महाराज, मैंने कोई भी जादू टोना नहीं सीखा, नहीं जादू टोना जाना, नहीं कुछ आता मुझे, मैं केवल एक घड़ी आधो घड़ी आधो में बुनियाद तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध, यही जो लाइन तुलसीदास ने लिखा है, मैं अपने बीवी के कहने से केवल 5 मिनट पंडाल में गया था, उस समय यही प्रसंग चल रहा था कि जब आपके ऊपर विपत्ति आए तो कठिन परिश्रम करना चाहिए, जब आपने मुझे कोठरी के अंदर बंद कर दिया और बर्फ की सिल्लियाँ डाला तब मुझे वो गुरु के वचन याद आए कि इस कोठरी के अंदर मैं ऐसा कौन सा कर्म करूँ, कौन सी कठिन काम करूँ, तब मैं रात भर इस बर्फ की सिल्लियों को इस कोने से उस कोने उस कोने से उस कोने, यही काम था, और टाइम पास करने का कोई मेरे पास नज़ारा नहीं था, कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो मैं कठिन परिश्रम करूँ। इन बर्फ की सिल्लियों का बोझ इतना भारी था कि मैं उसको इस कोने से उस कोने करते गया, 4 कब बज गया मुझे पता भी नहीं चला, और उसके कारण मैं गुरु की महिमा से अब जिंदा भी बचा हूँ और पसीने से लथपथ हूँ, मेरे पास कोई तंत्र विद्या नहीं है। ये होती है सत्संग में जाने का प्रमाण, और ये चमत्कार और ये महिमा कि मरते हुए को भी बचा लेता है सत्संग। इसलिए अध्यात्म से जुड़े रहिए, सत्संग में कथा सुनते रहिए, और सच्चे दरबार की जय। चल रहा रिकॉर्डिंग चल रही है, बैटरी लो हो गई है। संत का सत्कार करना
तीनों का जिसको ख्याल रहेगा वो कभी अपने रास्ते से विमुख नहीं हो सकता, भटक नहीं सकता है। यही जीवन में हमेशा अपने बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, अपने बड़ों का ध्यान रखते हुए, अपने वेदों का ध्यान रखते हुए, अपने सभ्यता और संस्कृति का ख्याल करना चाहिए। वो सच्चे दरबार की जय।